मोस्ट वेलकम। मेरे नए वीडियो की तरफ बात करने वाले एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सभी फिल्म के जो एक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो अपनी मूवी के बारे में बहुत कहते हैं कि हमारी मूवी बहुत बेस्ट है। वो दोस्तों एक प्रमोशन की स्ट्रेटजी होती है और हर कोई दोस्तों अपनी फिल्म की प्रशंसा करता है कि मेरी फिल्म बेस्ट होगी, ऐसा हम अक्सर सुनते आए हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक फिल्म के बारे में, इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जवान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब हम सब जानते हैं कि जवान बेस्ट है, लेकिन अब जवान के बारे में ये सब किसने कहा है? दोस्तों फिल्म के जो एडिटर हैं, अर्थात आपको पता है कि फिल्म को जिसने एडिट किया है, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है, उस एडिटर ने दोस्तों फिल्म के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जबकि वो बेशक SRK का फ़ैन हो, नहीं भी हो सकता है, बट उसकी जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों यूनिक है। उसने ये कहा है कि ये जो फिल्म है भाई ब्लॉकबस्टर होगी, पहली बात तो उसने ये कहा है। दूसरी बात उसने ये भी कहा है कि फिल्म के जो VFX हैं, मैंने आज तक एडिटिंग कैरियर में इस तरह के जो VFX हैं कभी नहीं देखे हैं, तो फिल्म ब्लॉकबस्टर निश्चित होगी, एडिटिंग ज़बरदस्त है, फिल्म की जो स्टोरी है दोस्तों फिल्म की स्टोरी भी ज़बरदस्त है। उन्होंने ये कहा है कि एटली कुमार ने इस फिल्म में भाई ज़बरदस्ती काम किया है। तो ये सब एक एडिटर जो कि जिसने इस फिल्म को एडिट किया है, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अर्थात उस फिल्म के ऊपर के उस फिल्म की उसने जो एडिटिंग की है उसके आधार पर अपनी सारी बातें बता रहे हैं। दोस्तों इन सब बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं, हम पहले से भी कहते आ रहे हैं, हम लगातार आपको बताते रहे कि जवान एक यूनिक फिल्म है, एक नई फिल्म है, एक नई कंटेंट की फिल्म है, एक यूनिक फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो आपने दोस्तों कभी नहीं देखी है, जो ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट होने वाली है दोस्तों, इसमें कोई दूर दूर तक बात नहीं है दोस्तों। अब शाहरुख खान इतने इंटेलिजेंट बंदे हैं दोस्तों, कभी भी अपनी फिल्म को दोस्तों है ना पोस्टपोन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस फिल्म को दोस्तों 4 महीने पोस्टपोन करना पड़ रहा है। तो भाई इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि शाहरुख खान भी जानते हैं कि फिल्म की जो एडिटिंग है, VFX है, कलर ग्रेडिंग है, उनके ऊपर एक ऐसा भव्य लेवल पर काम करना है जो लोग चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि पठान के बाद शाहरुख खान की जो फिल्म है जवान, उसका बज इंटरेस्ट इतना ज़बरदस्त हो गया है और फैन सबसे तेज़ी से इंतज़ार कर रहे हैं, तो जवान का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जवान आएगी बट उसमें VFX अच्छा नहीं होगा, स्टोरी अच्छी नहीं होगी, एक्शन अच्छा नहीं होगा, तो लोग क्या सोचेंगे भाई? तो ये तो आप समझते हो, इसलिए पूरी तैयारी के साथ दोस्तों SRK आना चाहते हैं, कल कोई उंगली नहीं उठा पाए। क्योंकि आपको पता हो कुछ दिन पहले एक 7 सेकंड का हल्का सा क्लिप वायरल हुआ, तो भाई उसमें क्लिप के अंदर आप देख रहे थे, उसकी जो एडिटिंग देख रहे थे, उसका जो काम देख रहे थे, जहां शाहरुख खान बेल्ट से पिटाई कर रहे थे, भाई ज़बरदस्त था। ऐसे ज़बरदस्त मुझे एक्शन सीन थे भाई, मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखे। तो 7 सेकंड के उस वीडियो ने दोस्तों फोड़ कर रख दिया है। तो मुझे लगता है कि जब हम फिल्म को देखेंगे, वहाँ जो एक्शन सीन होंगे और जो VFX होगा, भाई बाप लेवल का होगा, बाप लेवल का होगा। तो भाई ये तो कंफर्म मान लीजिए कि ये जो फिल्म है ये हिला के रखने वाली है। और ये भी आप कंफर्म कर लीजिए, ये फिल्म दोस्तों इस साल की सबसे बड़ी, सबसे भव्य, सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म दोस्तों होने वाली है। तो दोस्तों आप मुझे बताएं कि फिल्म पोस्टपोन होने से आप दोस्तों दुख कितना है, दुख हमें भी है, बट 7 सितंबर को दोस्तों फिल्म आएगी। अक्सर न्यू डेट, बाकी प्रीवियस वीडियो में बताया भी जा चुका है कि 7 सितंबर को आएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं 7 सितंबर को लेकर, इस फिल्म को लेकर? शाहरुख खान के फैन है तो आप इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों लाइक भी करेंगे कि एक सीक्रेट बंदा अंदर की खबर दोस्तों बता रहा है। बाकी टीजर ट्रेलर को लेकर दोस्तों अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई आएगी तो मैं एक वीडियो बनाकर वो इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके लिए लेके आऊँगा। कैसे लगी इन्फॉर्मेशन जल्दी बता रहा, आई होप ये आपको सब अच्छा भी लगा होगा।